You must watch movies. आपने काफी सारी मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक आदमी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और सोफे पे जाके लेट जाता है और उसको अपनी लाइफ हिस्ट्री सुनाना स्टार्ट कर देता है एक्चुअली दर इज अज एडवांटेज ऑफ इट जब आप किसी भी प्रॉब्लम को उसकी हिस्ट्री के साथ देखते हैं देन यू अंडरस्टैंड इट फॉर बेटर एंड सेम थिंग कि जब आप स्केरोमाइसिस सेरिविसाई की एवोल्यूशन देखते हैं इनटू बायोटेक्नोलॉजी के वो कैसे इस्तेमाल हुआ यू कैन नॉट इग्नोर इट्स हिस्ट्री थ्रू आउट एजेस जब हम लोगों ने यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर सिग्नलिंग देखना स्टार्ट की और देखा कि यार बैक्टीरिया में सिग्नलिंग और तरह थी इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स है इट बिकेम द फर्स्ट होस्ट जिसमें लोगों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया नॉट ओनली विद सिग्नलिंग बट ऑल्सो विद अंडरस्टैंडिंग यूक्रियटिक जिनेटिक्स न ईजिली सी इन माई बैक ग्राउंड आपके पास बडिंग गीस वट आर द डिफरेंसेज इट हैज फ्रॉम बैक्टेरिया नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिक्सटीन एज कम्पेयर टू वन इन बैक्टेरिया हेपलॉजनोम साइज ट्वेल्व पॉइंट वन मेगाबेसिस अगर हम इसको बैक्टेरिया से कंपेयर करें तो फोर पॉइंट सेवन से प्रिटीमर्टली थ्री टाइम्स लार्ज है बैक्टेरिया से और नंबर ऑफ जीन्स इस सेम सेम प्रीमचलाई में चार हजार तीन सौ सतर है और ये फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी साइज थ्री टाइम्स है लेकिन जीन साइज में फर्क नहीं है क्यों क्योंकि अब हमारे पास हमने पहले एक दफा डिस्कस किया था इसको जब हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे कि इसमें इंट्रॉन्स आ गए हैं उसमें इंट्रॉन्स नहीं थे इसमें इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन आ गए हैं इसलिए नंबर ऑफ जीन साइज वो है लेकिन फायदा क्या होगा इंट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन की पावर बढ़ जाएगी ओके अनदर एडवांटेज ऑफ एस इज इट्स अ मोस्ट कॉमन यूक्रियाटिक सिस्टम है इट्स वेरी वेल करेक्टराइज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है प्रिटी मच बिहेव लाइक अ बैक्टीरियल कल्चर है

इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इट कैरीज आउट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बिकॉज इट्स अ इट्सरियोटिक सिस्टम एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑल अगर आपने ह्यूम के लिए कोई चीज प्रोड्यूस करनी है इट सिक्रिएट्स वेरी फ्यू ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स तो आपके पास जो फाइनल कल्चर आएगा उसमें से आपको यीस्ट की प्रोटीन्स मारने की जरूरत नहीं है उसकी रीजन क्या है दिस इज प्रिटी मच बेकिंग यीस्ट जो आप लोग हमेशा से खाते हैं खमीरा आटा के अंदर या ओवरऑल लोग इसको डिफरेंट चीजों से यूज करते हैं तो इट्स वेरी सेफ टू यूज एंड इट डजेंट हार्बर एनी ह्यूमन पैथोजन एंड इट डजेंट प्रोड्यूस एनी फीवर स्टिमुलेटिंग पायरोजन्स एज वेल सो इट्स नेचुरली पायरोजेनिक फ्री इट्स रिकग्नाइज सेफ फ्रॉम बोथ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेडरल ड्रग अथॉरिटी दैट्स दैट्स तोट्स प्रटी गुड नाउ एनदर बिग थिंग इज के इसके अंदर ग्रोथ कौन सी है वो बाइनरी फिशन से नहीं हो रही बट बल्कि बर्डिंग से हो रही है आई जस्ट वॉन्ट टू शो यूडियो इन दैट रिगार्ड सो वट यू आर वॉचिंग इन दिस वीडियो की ये एक यी सेल था उसने एक बर्ड को ग्रोथ दिया और अल्टीमेटली आपके पास एक और बर्ड आ गई बैक्टेरिया के अंदर चीजें बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो रही होती है बाइनरी फिशन की वजह से लेकिन जीस के अंदर यू हैव लाइक यू नो एक नया सेल प्रोड्यूस होता है अल्टीमेटली वो इट्स टू प्रोड्यूस मोर प्रोटीन इट्स डिफरेंट फ्राम फ्राम बैक्टेरिया देर आर सेवरल थिंग टू लुक एट जो हम बैक्टेरिया में आज प्रोड्यूस कर रहे हैं मसला पाकिस्तान में वी गेव अ लॉट ऑफ हेपाटाइटिस बी वैक्सीन जो बेसिकली इंडस्ट्रियलीस्ट के अंदर पैदा होती है मलेरिया uh, की वैक्सीन जीस्ट में पैदा होती है एच आई वी वन एनविलो प्रोटीन यीस्ट के अंदर बनाते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए आप एच आई वी वन एंटीजन जितने यूज करते हैं या हेपेटाइटिस सी वायरस प्रोटीन जो डिफरेंट किट्स में पाई जाती है सारी में यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसुलिन फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ इंसुलिन इज करेंटली बींग प्रोड्यूस्ड एन एरिई बाकी कुछ डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर भी यूज हो रही है इसी तरीके से इंसुलिन ग्रो, ग्रोथ फैक्टर है प्लेटलाइट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर आई डोंट वांट यू बेसिकली आई डोंट वांट टू गो थ्रू द लिस्ट लाइक दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन अकॉर्ड ह्यूमन ग्रोथ हैल्विन वगैरह हैं तो ये काफी सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली एट द मोमेंट येस्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से यीस्ट एक खास इंपॉर्टेंस रखता है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू सिस्टम्स